हेलो फ्रेंड्स, आप समस्त को मो मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो देखते बंधु मैंने आज आम जाना आमर ओपीएससी तरफ बाहरी जाइए नोटिफिकेशन आपर 92 कैंडिडेट आई डी सिलेक्शन होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने। तो आम पोस्ट हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन इंग्लिश रे। तो आमर इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर जो मैंने पकई थे टीचर एजुकेशन रु तो बाहरी जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट। तो ये किसी प्रिपेरेशन नंबर दी जाए जो कैंडिडेट मैंने सिलेक्शन होती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तांकर लिस्ट एथे दिया जाइछि। त हमर टोटल देखंतु 92 जन कैंडिडेट सिलेक्शन हेचंती। टोटल केते ना टोटल होची 92 जन देखंतु हम टोटल केते ना टोटल होची 92 सेंटेक्स हेचंती। तापर होचंती हमर फर्स्ट देखंतु असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर एजुकेशन इंग्लिश है ना। तापर देखंतु आमे तळ को देखिबा एठी हमर दि जाइछि कोन ना हमर देखंतु पीपीएसएन नंबर दि जाइछि। त हमर 18 तारिख 19 तारीख है ना। तापर 20 तारीख एवं 21 तारीख यही आमर 4 दिन रही वेरिफिकेशन। तो 18/4 माने एप्रिल आमर 18/2022 रु आरंभ है आमर 21 तारीख सर। तो आमर 18 तारीख किसी कैंडिडेट मानक अच्छी देखो 18 तारीख आमर 10:30 AM रे किसी पिलांकर रही 15 कैंडिडेट मानकर 2:30 रे सेमिति किसी कैंडिडेट मानकर रही। तो एथिर आमर कोन कोन दिया देखंतु आमर तारीख हूँ 18 तारीख तप 10:30 AM रे रही 15 जनकर 2:30 हो 10 जनकर सेमती प्रत्येक दिन रही है ना। 19 तारीख 10:00 रही 15 कैंडिडेट मानकर सेमती 2:30 रही 10 जन कैंडिडेट मानकर है ना। ये भाया रही 20 तारीख मध्य रही 21 तारीख मध्य रही। तो देखते आप जानवे कौन कौन डॉक्यूमेंट आप सब नहीं जी जदि आप सिलेक्शन हो तेबे आपण कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं कि जी ये आप थे देखी दिंतु आप 20 तारीख 21 तारीख रही किसी पिलांकर 18 तारीख और 19 तारीख किसी पिलांकर रही। जदि आप डाउनलोड करने चाहते तेल आम ऑफिशियल वेबसाइट रही ओपीएससी रो तो से आप डाउनलोड करें है opsc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट रही। तो आप डॉक्यूमेंट सब कौन कौन ने ना हार्ड कॉपी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी ने तीनोटी आपंकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ने आप रिसेंट उठे थे है ना। तापर अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे बायोडाटा फॉर्म मुझे आम ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करेंगे और फिलअप करके मेट्रिक सर्टिफिकेट ने आपंकर प्लस 2 प्लस 3 है ना। बीडी सर्टिफिकेट आपंकर एमफिल नेट जीआरएफ कि स्लेट जहाँ भी आप पास करते सेट है ना। पीएचडी जेते आप सर्टिफिकेट सब रही सब डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल नेवा सहित सहित आप जेरक्स नहीं कि जाइए आपंकर कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं कि जाइए तापर ओडिया पास सर्टिफिकेट नहीं कि जाइए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं कि जाइए आप आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड नहीं कि जाइए जदि स्पॉट पर्सन होते आप स्पॉट कोटा आप अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी कार्ड आप जाइए। तापर जो मैंने डिसेबिलिटी रही 40% बात अधिक से डिसेबिलिटी गोटे सर्टिफिकेट नहीं कि जाइए। तापर आप रिसर्च पब्लीश पेपर जहाँ सब रही रिसर्च पेपर आप पब्लीश करते तार वन सेट जेरक्स कॉपी नहीं कि जाइए। तापर आप एक्सपीरियंस जो अच्छे आपको टीचिंग एक्सपीरियंस पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जहाँ अच्छे से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं जाइए आप जहाँ अवार्ड आप नहीं कि जाइए। तापर कहे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं कि जाइए एनओसी। तो जो मैंने आम सर्विस अच्छा इन सर्विस अच्छा से मैंने एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं कि जीवे एवं आप आइडेंटिटी प्रूफ गोटे नहीं कि जाइए एनी आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड जमीक आधार कार्ड हो आपंकर वोटर कार्ड हो पान कार्ड हो ये जो कार्ड गोटे नहीं कि जाइए। ये सब आप डॉक्यूमेंट रही जब आप डॉक्यूमेंट को लेकिन नजे तेब आपको से रिजेक्ट करदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने समय तेनाली समस्ते निश्चित भाव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गला बेले आपंकर समस्त डॉक्यूमेंटर ओरिजिनल सहित जेरक्स करते हैं जेरक्स निजर सिग्नेचर रहा दरकार तेल आप निजे निजे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे है ना। ये किसी पिला डाउट रही कन्वर्सन सर्टिफिकेटा कौन कन्वर्सन सर्टिफिकेट देखूँ जदि आप गोटे यूनिवर्सिटी पास करते जो आपको खाली ग्रेड मिली आप कौन मार्क दि जाए ना तो से आम कौन कन्वर्सन सर्टिफिकेट दि जाए से कन्वर्स सर्टिफिकेट दि जाए आपको धर जो CGPA मिली है ना। CGPA जहाँ मिले CGPA इंटू जहाँ करेंगे आप CGPA इंटू किसी यूनिवर्सिटी रही CGPA इंटू 10 कराए किसी यूनिवर्सिटी रही CGPA इंटू मैंने जहाँ रही थो इंटू 9.5 कौ जगह 9 कौ जगह 8.5 ये किसी रही है रूल और रेगुलेशन यूनिवर्सिटी तो से ही हिसाब से आपको कौन कराए इंटू करदे आपंकर परसेंटेज मार्क बाहरी जाए है ना।
ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସି ଜି ପି ରଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସି ଜି ପି ଅଛି 8.35 ଆପଣଙ୍କର ଧର ଯେଉଁ ଅଛି, ତାହେଲେ 8.35 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 10 ଇଣ୍ଟୁ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 10 ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ସେଠି ଆପଣ 10 ଇଣ୍ଟୁ କରିବେ, 10 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କେତେ 83.5, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ବାହାରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କନଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ, ଆପଣ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।